वेलकम बैक टू माय टेरेस एंड किचन गार्डन। मैं आज आपको अपने कोलियस कलेक्शन के बारे में बताऊंगी। ये देखिए मेरे पास कोलियस कलेक्शन 4 से 5 कलर का कोलियस की वैरायटी है मेरे पास। इस समय समर का टाइम चल रहा है तो लीव्स का कलर कुछ उड़ सा गया है, नहीं तो आप इसको विंटर में देख सकते हैं, इतने अच्छे से कलर निकल के आता है कि आप अपने टेरेस को इतनी सुंदरता प्रदान कर सकते हैं कोलियस प्लांट को लगाकर। विंटर में आप इसको आउटडोर में रख सकते हैं और समर में आप इसको टेरेस में शेड में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लीफ का कलर उड़ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा शोपीस का प्लांट है। ये देखिए इसमें 42 टाइप्स ऑफ वैरायटी आती है कोलियस प्लांट की। इसको आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आप कहीं से भी कट करके। ये देखिए आप इसको किसी भी गमले में, पॉट, हैंगिंग बास्केट में आप इस लगा सकते हैं। आप इसको वाटर में भी लगा सकते हैं, वाटर में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इसको आप सेंटर टेबल, अपने किचन में भी, किचन एरिया को भी इससे डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप इसमें वाटरिंग की बहुत कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा वाटरिंग से ये ख़राब हो जाता है, इसलिए आप इसको रेनी सीजन में शेड में रखें, नहीं तो वाटरिंग से ये प्लांट गल जाता है। और इसकी टाइम टाइम से आप अपने इधर से ये देखिए ये फ्लावरिंग आ रही है, इसकी कटिंग करते रहें। और कोलियस प्लांट को अच्छे से बुशी बनाने के लिए आप इसकी बीच बीच में पिंचिंग करते रहें। ये देखिए ऐसे इस टाइप से, तो आपका प्लांट इस टाइप से बुशी बन जाएगा लंबा होने के बजाय। आप इसको 6 से 7 इंची के गमले में आसानी से लगा सकते हैं और इसकी हाइट बहुत अच्छे से ग्रो करती है। आप इसके एक प्लांट से अनेकों प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र से ये आपका पेड़ ख़राब हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत ही कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। DAP भी आप यूज करें तो 2 से 4 दाने ही डालें, वो भी महीने में, नहीं तो ये फर्टिलाइज़र से आपका पौधा मर जाता है। मैंने पहले भी कोलियस के ऊपर वीडियो बनाई है, उस वीडियो का आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, प्लस इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार।